दोस्तों मैं चंदन आप लोगों के बीच हर दिन की माफी आज भी बायोग्राफी की लेके आया हूँ, लेकिन बायोग्राफी की इंपॉर्टेंट रोचक रोमांटिक के साथ साथ काफी इंटरेस्टेड भी होने वाली है। तो दोस्त वीडियो में बने रहें अंत तक, देखें वीडियो को। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो में जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग काफ़ी प्यार और आशीर्वाद हमारे वीडियो में देते आ रहे हो, उसी टाइप से उम्मीद करता हूँ दोस्त इस वीडियो में भी आप कम से कम 500 सब्सक्राइबर जरूर पूरा कर दोगे। तो दोस्त आगे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या तो कहानी समझो या तो क्वेश्चन समझो। मैं बात करता हूँ दोस्त कि आप सपोज दैट मानता हूँ कि आपके पास 100 दुकानें हैं और 100 से एक एक रुपया करके आ रही है, आपके पास प्रत्येक दिन शाम को 100 रुपया हो जाता है, और हमारे पास एक दुकान है जिसमें से कि 100 रुपया का इनकम होता है, तो बताइए दोनों में से अच्छा कौन है, हम हैं या आप हैं? तो दोस्त और आगे की ओर ले चलता हूँ आपको बायोग्राफिक महान पुरुष राजीव रॉय के, आदित्य राज कपूर के बारे में पूरी बायोग्राफिक। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप लोगों के बीच हर दिन की माफी आज भी एक बायोग्राफिक लेके आया हूँ। बायोग्राफिक इंपॉर्टेंट रोचक रोमांटिक के साथ साथ काफी इंटरेस्टेड भी होने वाली है। तो दोस्त वीडियो में बने रहें, इसी वीडियो के माध्यम से आपको आदित्य कपूर जी के बारे में पूरी जीवनी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्त वीडियो में बने रहें अंत तक, देखें वीडियो को। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्त देर न करते हुए आइए, आदित्य कपूर जी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आदित्य रॉय कपूर ने बॉलीवुड में कम ही फिल्में की है, लेकिन उन्हें ज़्यादा पहचान फिल्म आशिकी 2 से मिली थी। आदित्य एक्टर कभी नहीं बनना चाहते थे। बता दें कि आदित्य रॉय कपूर हमेशा ही एक क्रिकेटर के शौकीन थे और उन्हें एक क्रिकेटर बनने का बहुत ही शौक था और वह क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। वैसे आदित्य एक फिल्म परिवार से ताल्लुक तो रखते थे। आदित्य के भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्हें कई फिल्में प्रोड्यूस की है। आदित्य 9 फिल्म लंदन ड्रीम्स से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह फिल्म एक्शन रिप्ले, दावत ए इश्क, फितूर, ओके जानू में नजर आ चुके थे। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म आशिकी 2 को दर्शकों से खूब प्यार आशीर्वाद मिला था। इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ कपूर लीड रोल में थे। फिल्म के सभी गानों को लोगों ने खूब पसंद किया था, खासकर तू ही ये मुझको बता दे। आदित्य रॉय कपूर को दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बेटे के नाम से ही जाना जाता है। बात करता हूँ दोस्त शम्मी कपूर में काफ़ी प्यार और आशीर्वाद पिछले वीडियो में दिए थे, इस वीडियो में भी उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी प्यार और आशीर्वाद देने वाले हो। बता दें कि कभी आदित्य को बेटे, उनके बेटे आदित्य राज कपूर भी मानते थे। इनका जन्म 16 नवंबर 1985 को मुंबई भारत में हुआ था। पिता पंजाबी और माता इंडियन। जेविन फिल्मी से ब्लॉगिंग करते हैं। उनकी मां के नाम सेलोम रॉय कपूर हैं और जिन्होंने मॉडलिंग की देव बनर्जी के साथ फिल्म तू ही मेरी ज़िंदगी में भी काम किया है। बाद में वे फिल्म कोरियोग्राफर भी बनी और फिल्म बॉबी के गाने में शायर तो नहीं की कोरियोग्राफर के लिए वे जानी जाती है। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल मुंबई से किया था और जहां से उनके दोनों बड़े भाइयों ने पढ़ाई की है। और इनकी मां इसकी स्कूल प्ले की डायरेक्टर थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेट ज्वेलर्स कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। आदित्य कपूर ने अपने करियर की शुरुआत विजय के तौर पर चैनल वी के साथ की थी, जहां पर उनकी कॉमिक टाइमिंग और होस्टिंग की यूनिक स्टाइल में उन्हें हिट कर दिया। इसके बाद उन्हें 2009 में अपना फिल्म डेब्यू विपुल शाह की म्यूजिकल ड्रामा नंदन ड्रीम में एक छोटा रोल से स्टार्ट किए थे, जिसमें सलमान खान और अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। आलोचकों ने फिल्म को नकार दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। आदित्य इसके बाद साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी एक्शन रिप्ले में दिखाई दिए, जिसमें अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का निर्देशक भी विपुल शाह ही किए। इस फिल्म को भी आलोचकों से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिला और
फिल्म कोई खास सिलेक्शन नहीं कर पाई और इसके बाद वे संजय लीला भंसाली की ड्रामा फिल्म गुजरासी में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के साथ पर्दे पर नज़र आए थे। फिल्म कोई अच्छा कारोबार तो नहीं कर पाई लेकिन आलोचकों की तरफ से इस अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बात करता हूँ 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 पॉपुलर्स के चरम पर पहुँच गई। यह फिल्म उनके लिए ब्रेक थ्रू का काम की और उनके करियर का ट्रेनिंग पॉइंट रही थी। मोहित सूरी की इस फिल्म में वे लीड रोल में थे जिसमें उनकी हीरोइन श्रद्धा कपूर थी। यह महेश भट्ट की आशिकी का ही सिक्वेल थी। दोनों फिल्मों के प्लॉट पर और किरदार तो अलग थे लेकिन दोनों फिल्मों की शैली और थीम लगभग एक ही थी। आलोचकों से फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कपूर के खराब से जूझते गायक की परफॉर्मेंस को सराहा गया। उनकी अपनी को श्रद्धा कपूर के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी काफ़ी तारीफ मिली। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और 2013 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। आशिकी 2 में चमका आदित्य रॉय कपूर की किस्मत का सितारा। उनका अगला रोल अयान मुखर्जी की फिल्म ये जीवन है दीवानी में था जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कलिक कोचलिन जैसे सितारे थे। आदित्य की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और फिल्म फेयर पुरस्कार में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। आलोचकों से फिल्म को मिला जुला रोमांस और फिल्म 2013 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में चौथे स्थान पर रही। 2014 में वे हबीब फैसल की दावत ए इश्क में परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए थे। आदित्य रॉय कपूर की श्रद्धा प्रसिद्ध फिल्में लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, गुजरासी और आशिकी 2, ये जीवन है दीवानी, दावत ए इश्क जैसी कई सारी फिल्मों में इन्होंने अपना किरदार निभाया था। लव फेयर की बात करूँ तो आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर के बारे में लगभग हर कोई जानता है। इसके पहले उनका चर्चा आईना देवल के साथ हुआ था। तो दोस्त ये थी आदित्य राय कपूर की एक शॉर्टकट बायोग्राफिक। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और आदित्य कपूर की सबसे अच्छा फिल्म आपको कौन सा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। और दोस्त लगातार इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्त वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।